क्लास 5 के हिंदी बुक उत्सव का चैप्टर 1 सूरज की किरणें इसका एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसकी किरणें आती हैं? तो सूरज की, इसमें आपको टिक करना है, सूरज की। ख, सब जग हो जाता है सुंदर, इसको टिक करना है, सुंदर। किसका सुख अलवेला है? तो आकाश का, हवा का और धरती का, तो धरती का सुख अलवेला है, इसमें टिक कर देना है। प्राणी नया पाते हैं जोश होश दोनों, तो प्राणी नया पाते हैं जोश, इसमें टिक करना है। सबसे अच्छा गुण है आलस चोरी और मेहनत, तो सबसे अच्छा गुण है मेहनत, इसको टिक करना है। बहुत बड़ा दुर्गुण है परिश्रम आलस कोई नहीं, तो इसमें होगा आलस, इसको टिक कर देना है। प्रश्न संख्या 2, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। क, ये प्रातः की सुख बेला है धरती का सुख अलवेला है, या प्रातः की सुख बेला और धरती का सुख अलवेला है। नई ताजगी नई कहानी नया जोश पाते हैं प्राणी, इसमें नई ताजगी नई कहानी होगा, इसमें नया जोश पाते हैं प्राणी। अब ख, मेहनत सबसे अच्छा गुण है आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है, तो इसमें मेहनत और अच्छा गुण है आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है, इसको राइट करना है। अगर सुबह भी अलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए, तो इसमें होगा अगर सुबह भी अलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए, इसको कंप्लीट करना है। फिर है प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। क, सूरज की किरणें आती हैं सारी कलियां खिल जाती हैं, इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। कविता की इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहते हैं कि सुबह सूरज की किरणें जब चारों तरफ बिखर जाती हैं तो फूलों की सारी कलियां खिल जाती हैं, इसको राइट करना है। अब ख, मेहनत सबसे अच्छा गुण है आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है, तो कविता की इन पंक्तियों के द्वारा कवि ने मेहनत को सबसे अच्छा गुण कहा है, क्योंकि मेहनत से सब कुछ पाया जा सकता है और आलस को व्यक्ति का सबसे बड़ा अवगुण बताया है। अब है प्रश्न 4, सही मिलान कीजिए। क, सारी कलियां खिल जाती है, इसमें करना है, चिड़ियां गाती हैं मिलजुल कर, नई ताजगी नई कहानी, सुबह भली लगती है उनको, तो क्या जग सुंदर हो पाए, इसको करना है। अब है प्रश्न संख्या 5, क, इसका आंसर देना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, सूरज की किरणों के आने से क्या होता है, तो इसका क्या आंसर होगा, सूरज के किरणों के आने के साथ ही सुबह का आगमन होता है, फूल खिल जाते हैं, अंधकार दूर हो जाता है और संसार सुंदर दिखने लगता है। ख, धरती का सुख कैसा है, तो धरती का सुख सुंदर है अलवेला है। ग, सुबह का समय किन लोगों को अच्छा लगता है, सुबह का समय मेहनती लोगों को अच्छा लगता है। घ, सबसे अच्छा गुण क्या है और क्यों, तो मेहनत सबसे अच्छा गुण है क्योंकि मेहनत से ही इस संसार में सब कुछ पाया जा सकता है। अब है निम्नलिखित शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। तो एक जैसी आवाज वाले शब्द तुकांत शब्द कहलाते हैं, जैसे काम नाम, चलिए इसको करते हैं। आती, आती का तुकांत क्या होगा, जाती। सुहानी मस्तानी, बेला अलबेला, सारा प्यारा, उनको जिनको, जाए पाए। अब है निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो अर्थ में लगभग समान शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, जैसे जग, जग का पर्यायवाची होगा संसार और दुनिया, तो चलिए इसको करते हैं। सूरज, दिनकर दिवाकर भानु, सुंदर
मनोहर सुहावना कलित, प्रातः प्रभात उदय सवेरा, धरती पृथ्वी वसुधा भूमि, प्राणी जीवधारी प्राणधारी जीव, जग जगत लोक विश्व। अब है निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो इसका वर्ण विच्छेद करना है सूरज, स हलंत प्लस बराऊ प्लस र हलंत प्लस अ प्लस ज हलंत प्लस अ। इसको ऐसे ही करना है आप लोगों को। इसको आप लोग देख सकते हैं कैसे किया गया है, इसको ऐसे कंप्लीट कर लेना है। अब है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो परस्पर उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे प्रातः का शान। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। सूरज, सूरज का विलोम चांद, अंधकार प्रकाश, सुंदर कुरूप, मीठे करवा, सुख दुख, धरती आकाश, सुबह शाम, गुण अवगुण। अब है निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध रूप करके लिखिए। इसका शुद्ध आपको रूप लिखना है, जैसे सूरज, तो यहाँ छोटा उ की मात्रा है, इसमें पराउ की मात्रा होगा। सुंदर, सुंदर में भी इसमें बराउ है, इसमें छोटा उ होगा। प्रातः, यहाँ प्रातः हो जाएगा। दुर्गुण, इसमें बराउ है, इसमें छोटा उ होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।